वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा करोड़ों रुपए के खर्च से तालाबों का ब्यूटिफिकेशन करने के बावजूद वडोदरा शहर के कई तालाब सूखे और बंजर बन चुके हैं, जहां अब ये तालाब गाय भैंस के चारे के लिए मानव वृंदावन समान बन चुके हैं, वैसे गाय के झुंड ही नजर आ रहे हैं। वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा करोड़ों रुपए के खर्च से वडोदरा शहर के तमाम तालाबों का ब्यूटिफिकेशन किया गया था, लेकिन नाम और कागजों पर ही रह चुके वैसे ब्यूटिफिकेशन की कामगिरी के बाद वडोदरा शहर के ये तमाम तालाबों की एक बार फिर दुर्दशा बनी है। कहने को ही रह चुके वैसे ये ब्यूटिफिकेशन के तालाब में यहाँ पर पानी की एक बूंद भी नहीं है, जहाँ ये तमाम तालाब सूखे और बंजर निर्जल बनते हुए अब ये तालाब पशुओं के लिए मानो घास चारा और घूमने के लिए एक वृंदावन समान बन चुके हैं। स्मार्ट सिटी के नाम पर करोड़ों रुपए के खर्च से तालाबों का ब्यूटिफिकेशन किया गया, जिसमें सिद्धनाथ तालाब, छानी, हरनी, लक्ष्मीपुरा सहित के तालाब अब सूखे बन चुके हैं। पशुओं के लिए अब ये घास चारे और घूमने फिरने का केंद्र बना है। छानी तालाब में भी यहाँ पर मानो पशुओं का झुंड घूमता हो वैसे दृश्य कैमरा में कैद हुए है। छानी विस्तार के विशाल तालाब के ब्यूटिफिकेशन के बाद ये तालाब सूख गए है। विपक्ष द्वारा भी ब्यूटिफिकेशन कामगिरी की आलोचना करने के बावजूद अभी तक कोई भी कामगिरी नहीं की गई, तो वहीं अब ये तालाब इतनी खराब कगार पर आ चुके हैं कि तालाब में एक बूंद पानी भी नहीं है। चारों तरफ सिर्फ सूखी हुई झाड़ियां ही उग निकलते हुए अब पशुपालकों के लिए मानो अपने पशुओं को चराने के लिए ये एक सुंदर गंतव्य स्थल बन चुका हो वैसा लग रहा है। जहां आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आर पाटिल ने घोषणा की थी कि वडोदरा में भटकते पशुओं को दूर करने के लिए सघन कामगिरी की जाएगी, लेकिन अब ये नजारे कुछ और ही कामगिरी को बयां कर रहे हैं। इस संदर्भ में वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल ने सही दिशा में काम करने की बात कही थी। સયાજીરાવ નગરીના સમયથી વર્ષો પહેલા 169 તળાવ હયાત હતા, રહેતા 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 અત્યારે પાણીવાળા કનીએ તો 24 તળાવ અને વેલા સાથેના આ બધા જ થઈને 34 તળાવ ટોટલ છે। એમાં મુખ્યત્વે જે પણ તળાવો છે એના બ્યુટિફિકેશન ખૂબ સારી રીતે મનોરંજન પ્રાપ્ત થાય લોકોને, બેઠક વ્યવસ્થા, વોકિંગ અને એ બધી જ સુવિધાસભર આ તળાવો બન્યા છે। ક્યાંક ને ક્યાંક કેટલીક જગ્યાઓ ઉપર હજુ પણ રેલિંગ ન હોવાના કારણે અથવા બ્યુટિફિકેશનનું કામ અધૂરું હોવાના કારણે હજુ જ્યાં આવી વ્યવસ્થા અવ્યવસ્થા જેવું દેખાય છે એને પણ આવનાર સમયમાં અમારી જે ગ્રાન્ટ છે 15મું નાણાપંચ એના માધ્યમથી આ રિપેરિંગ કરી અને જે ત્રુટી છે એને દૂર કરીશું।